नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश के 10 सुपरफास्ट खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के सेवा सप्ताह अभियान की शुरुआत आज देश भर में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दादरी विधानसभा के गांव छपरौली में पहुंचेंगे और पौधारोपण करेंगे। इसके बाद वहां एक बस्ती में वे फल वितरण करेंगे और इस दरमियान वे 40 मिनट तक यहां रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक मुद्दे पर करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित आर्याकुल विद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत की। माना जा रहा है कि इस दौरान अयोध्या के विकास कार्यों, श्री राम मंदिर निर्माण कार्य व धर्मस्थलों के विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई है। महोबा में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल करने वाले कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की रविवार शाम कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। तत्कालीन एसपी व थानेदार पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल करने के बाद उन्हें किसी ने गोली मार दी, जिसके बाद पिछले 5 दिनों से कानपुर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही थी। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार के खिलाफ विजिलेंस ने सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। विजिलेंस ने शासन को भेजी रिपोर्ट में दोनों अधिकारियों पर लगे अधिकतर आरोपों को सही ठहराया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काफी गंभीर है। ऐसे में विजिलेंस की रिपोर्ट पर जल्द ही कठोर निर्णय लिया जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी तरह निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने भी कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से अगले 24 घंटे के दौरान नई मानसूनी हवा चल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी UPSSF के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ADG स्तर के IPS को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा और इस बल के पास विशेष परिस्थिति में बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार भी दिया जाएगा। सरकार ने DGP से इसके विधिवत गठन का रोडमैप तैयार करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,239 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 68,000 के पार चली गई है। आपको बता दें कि 2,39,485 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। पीलीभीत में इन दिनों बरसों से जर्जर पड़ी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें सहित बदहाल पड़े पार्कों को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे काफी सजग दिख रहे हैं, जिसको लेकर DM ने स्वयं पीलीभीत में कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर जल्द ही जिले के सौंदर्यीकरण कराकर उसे नया रूप देने की बात कही है। पीलीभीत में एक पागल कुत्ता लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बीते रात से अब तक लगभग 18 घंटे में इस कुत्ते ने गांव के 20 से अधिक पालतू पशुओं और एक बच्चे को काटकर अपना शिकार बनाया है। घटना से गांव में भगदड़ की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, साथ ही एक बच्चे को जिला अस्पताल भी भिजवाया है। हालांकि इस बीच पागल कुत्ता अचानक कहीं गायब हो गया। फिलहाल अभी कुत्ते की तलाश जारी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के इस वक्त की 10 सुपरफास्ट खबरें। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम फायदेमंद खबरों के साथ हम आप उत्तर प्रदेश की भी खबरों से रह सकें अपडेट।